और आज का ये जो अपना कार्यक्रम है उसका ये जो विषय रखा है पंच यज्ञ से परम वैभव, इस विषय के माध्यम से इस समग्र विषय के ऊपर आज हम कुछ विचार करेंगे। हमारे जो पूर्वस्थ ऋषि मुनि उन्होंने जब दुनिया का विश्लेषण किया तो ध्यान में आता है कि ये जो सृष्टि है इसमें चार प्रकार की दुनियाएं हैं, चार तरह की सृष्टि है। एक सृष्टि है जिसको हम पंच महाभूत की कहते हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, पृथ्वी है, झरने, पहाड़, समुद्र, ये एक दुनिया है। एक दूसरी दुनिया है वो वनस्पति जगत की है, घास के तिनके से लेकर के विराट वट वृक्षों तक, एक उसकी दुनिया है। एक प्राणियों की दुनिया है, पक्षी है, पशु है, उसकी एक दुनिया है। और चौथी हम सब मनुष्य, ये मानव की दुनिया है। ये जो चारों प्रकार की दुनिया सृष्टि में है इसमें जो तीन दुनिया है समुद्रों, पहाड़ों, पृथ्वी, ग्रह नक्षत्रों की दुनिया, वनस्पति जगत की दुनिया और प्राणी जगत की दुनिया, ये तीन के बारे में भगवान ने ऐसा किया है कि ये स्वतंत्र नहीं है, ये प्रकृति की मर्यादा में बंधे हुए हैं। वो मर्यादा तोड़ते नहीं है, तोड़ सकते भी नहीं है, वो उसी में जीते हैं। गाय के बच्चे के चलने के लिए प्रकृति ने जो मर्यादा की है वो उसको उलट नहीं सकता। बोलने के लिए, बोली के लिए जिस पशु पक्षी को जो बोली दी है भगवान ने उससे भिन्न बोली वो बोल नहीं सकता। तो ये तीनों दुनिया जो है, ये तीनों दुनिया प्रकृति की मर्यादा लांघती नहीं है, इसलिए प्रकृति का वो नुकसान भी नहीं कर सकती। लेकिन ये जो चौथी दुनिया है मानव की, इस मानव को भगवान ने दो विशेषताएं दी है। एक, ये स्वतंत्र है, इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि उसको मुक्त इच्छा शक्ति दी है। वो मुक्त है, वो चाहे तो देवता बनने के लिए भी जा सकता है, वो चाहे तो दानव बनने के लिए भी जा सकता है, स्वतंत्र है वो। और दूसरा, उसको विश्लेषण करने वाली बुद्धि दी है, वो बुद्धि का उपयोग बुरे के लिए भी कर सकता है, अच्छे के लिए भी कर सकता है। तो मर्यादा के, प्रकृति की मर्यादा के परे जाना, जैसे गाय का बच्चा पैदा होते ही चलता है, मानव का बच्चा चलना तो छोड़ो, पड़ा रहता है खाली। लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि से, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से, कल्पनाओं से ऐसी ऐसी चीजें ईजाद की कि वो केवल धरती पे ही नहीं तो पानी के अंदर और आकाश में सब तरफ दौड़ता है। कोयल का बच्चा कौवे की बोली नहीं बोल सकता, गाय जो है वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं नहीं कर सकती, लेकिन ये मनुष्य जिसको पैदा होने के बाद केवल रोना आता था, हंसना भी नहीं आता था, बोलना तो दूर की बात है, वह मानव धीरे धीरे इतनी भाषाओं का आविष्कार करता है। इतना ही नहीं तो आपने कई आदमी ऐसे देखे होंगे कि जो हर प्रकार के पशु पक्षी की आवाज गले से निकाल लेते हैं। मैंने एक आदमी ऐसा देखा था, वो अपने गले से हर प्रकार के वाद्य संगीत भी निकाल लेता था, वोकल भी गाता था और इंस्ट्रूमेंटल भी गाता था गले से ही,
ये कैसे संभव हुआ कि मर्यादा के परे जाने की सामर्थ्य है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ संकट खड़े हो रहे हैं, समस्याएं खड़ी हो रही, तो उसका कारण कौन है? ये तीन सृष्टि में कोई कारण नहीं है, ये बिचारी मर्यादा में चलती है। समस्या की जड़ है ये मानव मनुष्य। इसलिए विश्व में अगर समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की है तो उसकी जड़ में कौन है? मनुष्य। और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी अगर होता है तो उसके जड़ में कौन है? वो है मनुष्य। और इसलिए प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये जो मानव है, मनुष्य है, यह विकसित हो, इसके विचार विकसित हो, इसका हृदय संवेदनशील हो, और इस नाते से हमारे यहां पर यह कहा गया कि ये जो सारे विश्व के अंदर ये मनुष्य जो है, इस मनुष्य को संस्कारी बनाना, इस मनुष्य को संवेदनशील बनाना, इस मनुष्य को व्यापक बनाना, श्रेष्ठ बनाना, ये एक आधारभूत काम माना गया अर्थ होता है इस सृष्टि की रचना में। तो उसकी जो बिल्कुल आधारभूत पहली इकाई है, जैसे आजकल एक शब्द प्रयोग चलता है बिल्डिंग ब्लॉक, कोई मकान बनता है तो उसकी जो आधारभूत इकाई है ईंट, तो ये जो सारी सृष्टि है इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि वो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वह है कुटुंब, परिवार, ये प्रथम इकाई है, आधारभूत इकाई है। इसके बाद की जितनी भी इकाई है ये सब इसके जोड़ से बनी है। और इसलिए अपने यहां जो प्राचीनतम ज्ञान राशि है वेद, तो अथर्ववेद के अंदर एक सूक्त है, विराट सूक्त कहते हैं उसको, उसमें वो कहते हैं कि वह तत्व अपने को व्यक्त करता है, मैनिफेस्ट करता है। तो सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन है वो है परिवार। वो मंत्र कहता है सा उत्क्रामत सा गारपत्ये रकामत। वो उत्क्रांत हुआ, एक जो है अनेक हुआ, तो सबसे पहले इकाई कौन सी बनी? तो गारपत्य, परिवार, कुटुंब। आगे की सारी रचनाएं इससे बनी। और ये जो कुटुंब नाम की इकाई बनी, इसका आधार जो था, वो जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे के साथ आत्मीयता से जुड़े हुए, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को सहयोग करने वाले, तभी परिवार बनता है। और इसलिए आगे की जो रचनाएं, बड़ी रचनाएं सृष्टि में बनी, तो हमारे यहाँ ये जो परिवार भाव है ये इसको आधारभूत माना गया। और इसलिए ये जो परिवार भाव है इसको विकसित करते हुए हर रचना को देखने का भारत ने एक दृष्टि दी। और केवल दृष्टि नहीं दी, अपने जीवन में व्यवहार से बताया। और इसलिए आप देखेंगे, विचार करेंगे कि हमारे यहाँ हर चीज को उसी दृष्टिकोण से डेवलप किया। तो मेरा परिवार है तो मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ये मेरा परिवार हो गया। फिर इस परिवार को व्यापक किया तो फिर कॉन्सेप्ट आया संयुक्त परिवार। तो फिर मेरे काका हैं, काकी हैं, मामा हैं, मामी हैं, मौसा है, मौसी हैं, ननंद है, जेठ है, देवर है, और आगे बढ़ाते हैं तो फिर ककिया ससुर है, मम्मिया ससुर है, एक व्यापक बनाए संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार, वो भी परिवार है। फिर ये बड़ा परिवार है, उसके सहयोग के लिए कई बार लोग जुड़ते हैं, घर पे कोई नौकर रहते हैं, चाकर रहते हैं, उनके साथ जो संबोधन के संबंध है वह भी इस पारिवारिक संज्ञाओं की आप देखेंगे पुराने समय में। कोई बड़ा धनी परिवार है, वहां कोई है तो लक्ष्मी है, कोई नौकरानी तो छोटे बच्चों को बताएंगे लक्ष्मी दादी है, रामू नाम का नौकर है तो कहेंगे रामू दादा है, परिवार की संज्ञा से जुड़ा उसको। फिर व्यापक कुल बना,
रघुकुल रीत सदा चली आई, हम कहते हैं कुल भी एक परिवार। व्यवसाय के हिसाब से जातियां विकसित हुई तो जाति भी एक परिवार, और गांव एक परिवार है तो कहते ही हैं। आगे चल करके देश भी एक परिवार, और बढ़ते बढ़ते फिर सारी वसुधा जो है, सारी पृथ्वी है, इसके भी आपस के संबंध कैसे होने चाहिए। तो प्राचीन काल से अपने ग्रंथों में जो उद्घोष रहा, जिसका हम बार बार उच्चारण करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कहा वहां पर वसुधा भी जो है वो कुटुंब है, ये परिवार भाव।